लोग के लिए कुछ सोच रहे हैं, जो भी है सब कुछ योजना सिर्फ कागज पे ही है, धरातल पर उतरे तब ना योजना जमीन पर आए, हम लोग के कुछ नॉलेज में आए तब ना। और तो किए थे यही सोच करके कि मतलब कि बीजेपी बहुत अच्छी राज लाएगी, बहुत अच्छे चलेगी सरकार, लेकिन लेकिन हम लोग के साथ मतलब क्या हो रहा है वो किसी को कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। देखिए, बेरोजगारी को लेकर के लगातार बिहार की सियासत तो गर्म हो ही रही है, मगर बिहार के जो युवा हैं, जो शिक्षित हैं, वो भी रोजगार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही कारण है कि अब युवाओं को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारे साथ आदित्य जी हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री इनके पास है, मगर अब भी ये यूँ कहें कि रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये ग्रेजुएट होने के बाद भी किस तरीके से बेरोजगार हैं, और इन्होंने हमें बताया है कि ये लगातार फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भर रहे हैं, मगर इन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। अच्छा आदित्य जी, कितना तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन कर चुका हूँ 2018 में। 2018 में ही आपने ग्रेजुएशन किया है? अच्छा, फिर कोई नौकरी नहीं मिली? नौकरी के लिए लगातार तो अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही है। हम लोग को के लिए बिहार सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है कि हम लोग के लिए क्या होगा आगे, भविष्य के लिए कुछ आधार है ही नहीं। और घर से जो है कि मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए तो आर्थिक स्थिति बहुत ही लाचार है। अच्छा। आदमी तो लाचार है ही, लेकिन स्थिति भी पूरा ये डबाडोल है। अच्छा। अभी क्या करते हैं? अभी तो छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का, उसे कुछ हो नहीं पाता। कितना कमा लेते हैं? कोई 7-8 हज़ार में महीने होता है। हाँ, तो उतने से कुछ होना जाना नहीं है, और महंगाई इतना बढ़ रही है, आगे जा रही है, तो कुछ हो तो उपाय नहीं है लोगों के पास। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, तमाम लोगों के लिए वो सोच रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों के लिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं? कहाँ हम लोग के लिए कुछ सोच रहे हैं, जो भी है सब कुछ योजना सिर्फ कागज पर ही है, धरातल पर उतरे तब ना योजना जमीन पर आए, हम लोग के कुछ नॉलेज में आए तब ना, हम लोग के पास कुछ आता ही नहीं है। आप लोगों को नीतीश कुमार रोजगार दे पाएंगे, इंडिया की सरकार रोजगार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? अब ये तो कह नहीं सकते हैं, ये तो उनके कितनी उम्मीदें हैं। उम्मीद तो बहुत लगाए थे कि एनडीए बीजेपी के राज में कुछ मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी हाथ खाली है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सरकार अगर बन गई तो एक कलम से युवाओं को रोजगार दे देंगे, क्या लगता है तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं? ये तो उनके कह रहे हैं, लेकिन अब उनके तो शासन में आने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन उनसे भी जब एनडीए से नहीं हो पा रही है उम्मीद, तो उनसे उम्मीद क्या रखना। तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद नहीं है उनसे, अब उनके सत्ता में आने के बाद समझ में आ सकता है। सर, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, क्या लगता है युवाओं के लिए वो कुछ सोचेंगे या फिर ऐसी बयानबाजी ही कर रहे हैं, वो युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, क्या लगता है? युवा के लिए तो सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब उनके उनके दिल में तो है, लेकिन अब वो सत्ता में आने के बाद हो सकता है हो जाए, कोई मतलब मिल जाए हम लोग को तो और अच्छा है। अच्छा आदित्य जी, आपने नीतीश कुमार का भी शासनकाल देखा, क्योंकि आपने 2018 में ही ग्रेजुएशन कर लिया था। लालू प्रसाद यादव का भी शासनकाल आपने बाखूबी देखा ही होगा, राबड़ी देवी का भी देखा ही होगा, बेहतर शासनकाल किसका रहा? बेहतर तो कुछ, लेकिन ये एनडीए तो कुछ रहा, लेकिन मतलब इनका मतलब ध्यान कहीं और, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, दूसरे जगह पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कहाँ पर किए हुए? इनका मतलब दूसरा मुद्दा है, मतलब जहाँ ध्यान देना चाहिए रोजगार पर, युवा पर, उस पर नहीं है, शराबबंदी ये वो ये मतलब इधर उधर का, तो इसमें समय व्यर्थ कर रहे हैं वो। हम आपसे सवाल, कुछ पर्सनल सवाल करते हैं। आदित्य जी, ये बताइए, आपका कद छोटा है, ऐसे में सामाजिक
कष्ट कितना झेलना पड़ता है? कष्ट है, सामाजिक कष्ट भी बहुत है, कोई मतलब कि साथ नहीं देना चाहता है, कोई अपने पास नहीं रखना चाहता है, और यहाँ तक कि मतलब प्राइवेट सरकारी जॉब तो मतलब लगे हुए हैं, लेकिन प्राइवेट में भी कई बार गए, लेकिन मतलब वहाँ भी कहा जाता है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा ये वो, मतलब जीविका चलाने के लिए कोई भी तो साधन होना चाहिए। आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं, हमसे तो सब चीज़ हो पाएगा, हमारे पास भी भगवान ने दो हाथ दिया है, सोचने की क्षमता दी है, आँख दी, मुँह दी, सब चीज़ हमारे पास है, क्यों नहीं हो पाएगा? आपने ये सवाल किया, फिर भी सवाल तो किया, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं मिल पाता है ना, उस कारण कि वो मतलब कि उतावले हो जाते हैं या आग बबूले हो जाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब कि वो अपने साथ मतलब कि रखना ही नहीं चाहता, साफ मना कर दिया जाता है कि नहीं आप से नहीं हो पाएगा। आप भावुक भी हो रहे हैं, आपकी आंखें नम हो रही हैं, मगर अदिति जी सवाल ये है कि ऐसे में अब आगे आपने क्या सोच रखा है? आगे क्या, अब मिलेगा अगर मिलनी चाहिए नौकरी, लेकिन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे दर दर ठोकर खा रहे हैं वैसे ही आगे भी भगवान ने चाहा तो अच्छा होगा स्थिति, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेंगे। परिवार का कितना साथ मिल रहा है? परिवार का तो साथ है, गार्जियन तो खैर गार्जियन है ना, वो तो जब तक है साथ हैं तब तक साथ निभाएंगे ही, लेकिन उसके आगे अब गार्जियन तो सब दिन नहीं रह सकते हैं साथ में, लेकिन फिर भी जब होगा तो फिर तो आपका ही है, मत आपका है, मगर हम फिर भी जानना चाहेंगे कि आपने वोट जो है वो क्या सोच कर दिया था, वोट तो करते ही होंगे, क्या सोच कर दिया था और क्या लगा कि जो सोच कर दिया था उस पर सरकार खड़ी हो रही है या सरकार को वोट ना करके आपने जिसे वोट किया था जो भी है? वोट तो किए थे यही सोच करके कि मतलब कि बीजेपी बहुत अच्छी राज लाएगी, बहुत अच्छे चलेगी सरकार, लेकिन लेकिन हम लोग के साथ मतलब क्या हो रहा है वो किसी को कोई मतलब नहीं है, उनको राजनेता को सिर्फ अपने खुद से मतलब है। लालू यादव गरीबों के नेता कहे जाते हैं, क्या लगता है लालू यादव सच में गरीबों के नेता थे या लालू यादव बस यूं ही भाषणों में कहा जाता है कि गरीबों के तो कहा जाता है, लेकिन उनका तो राज मैंने ज़्यादा नहीं देखा है, बस दो चार साल ही देखा है, लेकिन फिर भी वो माना जाता है कि अच्छा कि वो सबके साथ थे, गरीब के साथ थे वो, अच्छा नहीं जी लालू यादव गरीबों के साथ थे वो सब, बहुत सब मुद्दा है ऐसा, लेकिन अच्छा आपने वोट दिया, वोट पर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है, अब क्या सोच रखा है, सरकार बदलनी चाहिए या फिर सरकार से ही उम्मीदें हैं अब भी आपको? नहीं, अब तो उम्मीद टूट चुका है बिल्कुल, अब तो लगता है कि बदल ही देनी चाहिए, अब तो बदल ही देनी चाहिए सरकार जी, अब बदल देनी चाहिए, अब कोई उम्मीद नहीं है इससे। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं या फिर और कोई? तेजस्वी यादव तो युवा का साथ देते आए हैं और दे रहे हैं अभी भी, लेकिन उनके सत्ता में आ जाना चाहिए, अब समय हो रहा है जी। अच्छा, सत्ता में उन्हें आना चाहिए जी, एकदम। देखिए ये आदित्य जी थे हमारे साथ, आदित्य कुमार इनका नाम है, मगध यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2018 में ग्रेजुएशन पास किया है, उसके बाद ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इन्हें रोज़गार मिल जाए, ये प्राइवेट रोज़गार खोजने जाते हैं तो इन्हें रोज़गार नहीं दिया जाता है क्योंकि इनका कद छोटा है और इन्हें कहा जाता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी के लिए ये लगातार फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मगर सरकार के तरफ से भी कोई भी यूँ कहें कि रोज़गार इन्हें नहीं मिल पा रहा है, अब ये लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए तभी इन्हें रोज़गार मिल पाएगा। अब इन्हें उम्मीदें हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आए तो शायद युवा हैं तेजस्वी यादव तो इन्हें रोज़गार दे पाएंगे। खैर, तमाम तस्वीरों से लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।